BJP Delhi Unit Chief Satish Upadhyay, who addressed a press conference in the National Capital today, took up the issue of plying of e-rickshaws in Delhi and assured the e-rickshaw drivers of prompt action by the NDA government to ensure their welfare. Upadhyay said Union Transport Minister Nitin Gadkari is taking the issue seriously and has already formulated a policy to legalize plying of e-rickshaws. The BJP leader said all those who are worried about their source of employment and earnings should relax now because the BJP-led government will leave no stone unturned in ensuring justice to them. लगातार समस्या चल रही थी और हम पिछले कई दिनों से इसके बारे में बात कर रहे थे. हमको आज हमारे विधायक, हमारे ई रिक्शा एसोसिएशन के अध्यक्ष सैगल साहब, मिस्टर राजीव और जो कुछ अनुज शर्मा, हमारे विधायक, हमारे पार्टी के लोग, निगम के हमारे सारे लोग, क्योंकि निगम ने अगर इसकी कोई नीति बनानी है या पॉलिसी बनानी है तो ये सारे लोग आज उनसे प्रतिनिधिमंडल मिलकर के आया है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि कल रात को ही उन्होंने इस पॉलिसी को नेट पर डाल दिया था कि अब जिस तरह की चीज़ें होनी है, इसमें कुछ सवाल ज़रूर पैदा हुए हैं कि 10 दिन के अंदर सरकार इस नीति की घोषणा करे. और चूंकि इस नीति के तहत जिस प्रकार की समस्याएं टेक्निकलिटीज़ को लेकर के ई रिक्शा की आई हैं उसमें 10 दिन के अंदर वो सभी के सुझाव उसमें आ जाए. लोगों को लगता है कि इस 10 दिन के अंदर जो भी टेक्निकलिटीज़ के सुझाव हैं और इसमें मैंडेटरी है 10 दिन के अंदर, हमको लगता है कि एक इसमें इशू आया था कि जो पुराने ई रिक्शा हैं उनका क्या होगा, तो उसका समाधान भी माननीय मंत्री जी ने हमको कहा है कि जो अभी पुराने ई रिक्शा हैं उनको किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं. जिन्होंने लोन लिया है, जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए एक साधन खड़ा किया है, उसको जो इनकी एसोसिएशन है उसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अगर सर्टिफाई कर देंगे तो उन्हीं रिक्शा को इस मान लिया जाएगा. Upadhyay said other political parties should also support the BJP in making e-rickshaws legal because the commercial vehicles provide employment to hundreds of people in the national capital. मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने केंद्रीय मंत्री का, जिस शिद्दत के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस मजबूती के साथ इस ई रिक्शा के विषय को उन्होंने लिया है और इसको लगातार जब तक पूरा अंजाम उसका नहीं मिल जाएगा, लोगों को इससे राहत नहीं मिल जाएगी, तब तक ई रिक्शा के बारे में हम किसी भी चीज से ना हम भागने वाले लोग हैं ना हम केवल कहने वाले लोग हैं. जो हमने कहा है वो निश्चित रूप से हम करेंगे. और बाकी दलों को भी मैं कहना चाहता हूँ, ई रिक्शा पर इस तरह की जो राजनीति है, जो वोट बैंक की राजनीति है, दिल्ली में भड़काने की जो राजनीति है, दिल्ली में उनको उद्वेलित करने की जो राजनीति है, वो सब लोग उस समस्या के समाधान में कारण बने, ना कि समस्या को बढ़ाने का कारण बने. पावर्ड बाय NNIS.